हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का गेम चेंजेस में। एंड आई होप रोलर कोस्टर आज का डे आपका अच्छा रहा होगा, बेहतरीन रहा होगा। मेरा भी अच्छा था, थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से मैंने उसको खराब कर लिया। ऑलमोस्ट 50,000 प्लस पे मैं क्लोज कर लेता आज, लेकिन मैंने मतलब इतना ज्यादा मिक्सअप कर दिया। और गफ गफ गलतियां होती हैं, सीखने के लिए मिलता है गलतियां से। और इवेंचुअली क्लोज किया 12,000 पे आके, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी फ्राइडे की बातें करते हैं। उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा थर्सडे के सेटअप की तरफ, क्या हमारा मतलब एक्सपेक्टेशन था और किस तरह से गया। हमारा सेंटिमेंट थर्सडे का था बाय बाय बुल्स बेबी बियर कमिंग। मतलब हम लग रहा है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और बुल्स को बाय बाय करने के चक्कर में थे, लेकिन बुल्स बड़ी तेजी से वापस आ गए। यानी कि अभी थोड़ा सा और बुल्स का गेम बाकी रह गया, लेकिन बुलिश तो मैं नहीं हूँ मार्केट पे। एक बड़ी सी अच्छी सी फॉल जरूर देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन जब तक ट्रेंड है ट्रेंड के साथ चलेंगे और एंजॉय करेंगे। सो पहली डेट थी हमारी ITC नॉन एग्जीक्यूटेड रही, क्योंकि मार्केट बेरिश सेंटीमेंट्स पे पूरी तरह ट्रेड किया नहीं। नेक्स्ट डेट थी हमारी ICICI बैंक, गेम चेंजिंग रहा, फुल टारगेट हिट हुआ ICICI बैंक में। हैंड जील एग्जीक्यूटेड हुआ 180, एक्चुअली एग्जीक्यूशन 188 के पास से करना था, थोड़ा सा एक पॉइंट का हमने मिस किया और हाई बनाया 191 के पास। हाउएवर प्रॉफिटेबल, फुल डे प्रॉफिटेबल रहा, एग्जीक्यूशन के बाद वो लॉस में नहीं गया। एंड टाटा स्टील नॉन एग्जीक्यूटेड रहा, गेम चेंजिंग रिस्क में डाला था। तो फिर क्या रिजल्ट रहा हमारा? सिंपल सा रिजल्ट रहा, 100% प्रॉफिट। और क्या चाहिए दोस्तों, सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए। 2 out of 4 प्रॉफिटेबल, ठीक है, और 2 नॉन एग्जीक्यूटेड। ओवरऑल रिजल्ट तो हमारा 100% रहा, हम प्रॉफिटेबल रहे। और गेम चेंजर्स यही करता है, गेम चेंजर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहता है। आप इसके विटनेस हैं, सभी इसके विटनेस हैं। अगर नहीं रहता है, तो जरूर मुझे बताइएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निफ्टी क्लोजिंग 12,987 के पास दिया है, मैग्निफिक क्लोजिंग 29,549.75 के पास दिया है। एक्सपेक्टेड ओपन जो है मेरा इस रेंज में मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, 12,980 से 13,000 के बिटवीन। हाईएस्ट पीक देखा जा सकता है 13,080, इससे ऊपर के टॉप्स की संभावना मैं कम मान के चल रहा हूं। अगर हुआ भी तो मैक्सिमम 13,140, और ये इसको मेजर रिवर्सल पॉइंट्स माना जा सकता है, एज वेल एज बुलिश कंटिन्यूएशन भी माना जा सकता है। तो ये मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, 29,400 से 29,700 के बिटवीन ओपन होने की संभावना है। एंड सेम कंटिन्यूएशन दोनों में देखा जा सकता है, एज वेल एज 29,400 के नीचे अगर हम जाते हैं, बहुत ज्यादा फाइट हुई आज इस लेवल के पास में। और मतलब 1 रुपए की CE को मैंने 50 रुपए जाते देखा बैंक निफ्टी में, 12,950 की बात कर रहा हूँ। एक रुपए से भी नहीं, 0.85 की मुझे कहना चाहिए। इतना लंबा सफर किया, मतलब 50 गुना 60 गुना 70 गुना पैसा आपको मिल जाता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रही। इसके बाद 29,400 की CE को मैंने 20 से 200 जाते हुए देखा, 10 गुना रिटर्न, और आधा एक घंटे के सफर में मैं पिक नहीं कर पाया। मैं निफ्टी की तरफ बिल्कुल भी मेरा माइंड नहीं था, मैं निफ्टी की तरफ था, मैंने यही गलती की, मुझे निफ्टी पे फोकस करना चाहिए था, निफ्टी के मूवमेंट ज्यादा अच्छे थे। सो चलिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इतना सब कुछ करने के लिए हो जाता है आपके पास एक्सपायरी वाले दिन की ज्यादा हाथ पैर मारने से लॉस हो जाता है, तो इसलिए अपडेट्स भी मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया चैनल पे। चलते हैं चार्ट की तरफ, वन डे के फ्रेम की बात करूंगा बहुत बढ़िया मेजर सर ब्रेकडाउन के बाद में। और जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा हम सोच के चल रहे थे कि अगर हम चैनल में शिफ्ट होंगे सेम ट्रेंड लाइन के पास से चैनल में शिफ्ट होंगे तभी गिरावट की संभावना है, और शिफ्ट नहीं हुए, बहुत तेजी से पुल बैक कर गए। 30 मिनट के फ्रेम में शायद आप ये अच्छे से देख पाएंगे, हल्की सी कोशिश शिफ्ट होने की, बड़े अच्छे बियर लेवल के साथ में बियर्स को ट्रैप किया और बहुत प्यारा सा सेंटिमेंट अपसाइड लेके मार्केट को गए। और अभी फिलहाल तो कंटिन्यूएशन जो है अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। 13,120 13,130 मैक्सिमम लेवल लेके चलेंगे, इसके ऊपर अगर मेंटेन करेंगे तब अपसाइड का सोचेंगे, टिल देन रिवर्सल के सिग्नल हमारे पास स्ट्रांग है। 1 वीक के फ्रेम में बहुत, अभी तक तो मतलब कल की ट्रेडिंग बाकी है, अच्छा सा दोजी दिखाई दे रहा है, स्पिन टॉप दिखाई दे रहा है। बहुत डिसिसिव रहेगा कि आगे का मोमेंट क्या होना चाहिए, मोस्टली चांसेस है कि अभी हॉल्ट हो जाना चाहिए बुल्स को यहाँ पे। एंड बात करें अगर
बैंक्स की, तो बैंक्स डेफिनेटली स्ट्रांग मोड में है अभी, मोर देन निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग मोड में है वन डे के फ्रेम में। अभी लगभग मतलब जो कंटिन्यूशन ट्रेंड था उसमें कहीं ना कहीं झुकाव नजर आया है, या फिर ये बोला जाए कि ठहराव नजर आया है, और हल्का सा भी मेजर, हल्का सा भी रिवर्सल, हल्का सा भी रिवर्सल जो कि, या फिर हल्का सा भी कोई भी इकोनॉमिकल न्यूज बीयर ट्रिगर कर सकती है तेजी से, क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स में पीक पे पहुंच चुके हैं। 4:30 के फ्रेम की तरफ मैं अगर आपको लेके चलूं, बहुत ही प्यारा मतलब एग्जीक्यूशन था बायर्स का, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लाइन के पास से पुल बैक किया बहुत तेजी से, मैंने यहाँ पिक कर लिया था 29,400 की सीई को, बहुत अच्छा ट्रेड किया, ऑलमोस्ट 3-fold पे मैंने एग्जिट कर दिया। हालांकि मैं ज्यादा भी बना सकता था, मैंने 67 के पास से बाय करके 167 एग्जैक्ट एग्जिट किया, और भी मोमेंटम थे, और अभी ट्रेड चार्ट को देखने में लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है थोड़ा सा और बुल साइड में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रेड्स लेने जा रहे हैं, जिसमें पहला है गेम चेंजर स्टॉक, पहला ही स्टॉक, जी हाँ गेम चेंजर है, स्टैंप लगाएंगे गेम चेंजिंग का, आरबीएल बैंक में बाय करने जा रहा हूँ 2-4 के ऊपर, मेरा पहला टारगेट रहेगा 2-7, सेकंड 2-8, स्टॉप लॉस में 2-19 यूज करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी चूक मुझसे यहाँ हुई है स्टॉप लॉस में, स्टॉप लॉस में 2-1 यूज करूंगा। दूसरा स्टॉप लॉस में कब यूज करूंगा, इफ आई गेट एग्जीक्यूशन, क्योंकि मैं आपको दोनों पॉइंट्स बताऊंगा, फ्रॉम 222 से भी एग्जीक्यूशन मिलने के पूरे चांसेस हैं बाय के, ठीक है। अगर मैं 222 से एग्जीक्यूशन करने जा रहा हूँ तब मैं स्टॉप लॉस अपना 219 यूज करने जा रहा हूँ, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस 221 रहने वाला। चलिए चलते हैं आरबीएल बैंक के चार्ट की तरफ, 5 मिनट के फ्रेम में हल्का सा वीवैप के नीचे क्लोजिंग है, बाकी सब कुछ फेवरेबल है, और सेम लेवल को मानते हुए अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं 223 के ऊपर, 222 के आसपास से, क्योंकि एक्सट्रीम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा डेवलप हुआ है क्लोजिंग के टाइम पे, वॉल्यूम बुल साइड डेवलप हुआ है, सेम पॉइंट से अगर हम बाय साइड एग्जीक्यूट कर पाते हैं अगर 222 के पास से, तो मैं स्टॉप लॉस यूज करने जा रहा हूँ 2-2-219 एक्सट्रीम पीवियड के नीचे, हल्का सा स्टॉप लॉस में यूज करने जा रहा हूँ। अदरवाइज गैप अप होता है या फिर थोड़ा सा मौका नहीं मिल पाता है तब 224 एक्सट्रीम पीवियड प्रीवियसली जो है उसके आसपास से एक्सट्रीम सपोर्ट के पास से मैं बाय करने जा रहा हूँ। आरबीएल बैंक को बेहतरीन स्थिति में है और अच्छे टारगेट्स लगाने की पूरी मतलब पोटेंशियल आरबीएल बैंक में दिखाई दे रहा है, तो अगर 224 मेंटेन करते हैं, 223 मेंटेन करते हैं अच्छी लगाएगा, आराम से 4 से 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन छोटी स्क्रिप्ट है तो मुझे 3 पॉइंट भी अगर आरबीएल बैंक से मिल जाते हैं 224 से, तो 27 तक का सफर भी अगर तय कर पाता तो मैं हाईली सेटिस्फाई अपने आपको आरबीएल बैंक में समझूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास सन टीवी, इससे भी मैं गेम चेंजिंग का स्टैम्प अपना स्पेंड करना चाहूंगा कंटिन्यूअसली, 2 स्टैम्प 4-2-3 के ऊपर मैं बाय करना चाह रहा हूँ, बहुत ही प्यारी स्थिति में दिखाई दे रहा है, 427-429 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 419 मैं यूज करने जा रहा हूँ। नजर डालते हैं सन टीवी पे 1 आवर्स के फ्रेम में, बहुत प्यारा बॉटम ब्रेकआउट दिया है, बहुत प्यारा सा बॉटम्स के पास से पैटर्न बनाया है हमने, वॉल्यूम जबरदस्त है, आरएसआई अच्छा है, एमएसीडी अच्छा है, लेकिन हमारा फोकस जो है मेन 15 मिनट के 30 मिनट के फ्रेम पे है, क्यों, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड्स करने जा रहे हैं, 30 मिनट के फ्रेम में हाईली बुल साइड सिग्नल एमएसीडी में दिखाई दे रहे हैं, आरएसआई कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है अबव द एसएमए, वॉल्यूम जबरदस्त डेवलप किया है स्टॉक ने कंटिन्यूअसली, सो एक्सट्रीम सेम पैटर्न अगर हम मेंटेन रखते हैं अपसाइड जाने की पूरी संभावना है, लेकिन हल्का सा रिजेक्शन है हमारे पास सपोर्ट के पास जाने से पहले, क्योंकि सेम सपोर्ट के ऊपर हमारा जो प्रीवियसली डेवलप हुआ उसके ऊपर हमारा आना जरूरी है, तो 423 हमको मेंटेन करना जरूरी है, प्रीवियसली 423 के पास से शूट किया था स्टॉक, 440 तक के लेवल देखने के लिए मिले थे, एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, पॉसिबिलिटीज हैं कि फिर से रिपीट करेंगे इस चीज को, 423 मेंटेन करते हैं आराम से, 427 पहला टारगेट होना चाहिए, कोई भी हर्डल्स दिखाई नहीं दे रहा है, 429 431 तक के टारगेट टॉप बनाए तो 431 तक पहुंचने की पूरी संभावना सन टीवी में मुझे दिखाई दे रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, नेक्स्ट मेरे पास डाबर, मैं सेल करने जा रहा हूँ डाबर को 503 के नीचे, क्विकली 4 से 5 पॉइंट कलेक्ट किए जा सकते हैं डाबर में, 498 496 मैं यूज करने जा रहा हूँ, स्टॉप लॉस में 508 मेंटेन करके चलूंगा, 504 के पास क्लोजिंग दिया है कहीं डाबर ने, लेकिन एमएसडी ऑलमोस्ट पीक पे दिखाई दे रहा है, आरएसआई भी ऑलमोस्ट पीक पे दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटीज रिवर्सल की ज्यादा है, रिजेक्शन दिखाई दिया है 504 के पास में, अच्छे डोजिस के साथ में शूटिंग स्टार दिखाई दिया है, तो होपफुली अगर हम इस रिजेक्शन को क्लियर नहीं कर पाते और सेम बॉटम्स के नीचे आना ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, शार्पली रिजेक्शन देखे जाएंगे और बढ़िया सेल सिग्नल डाबर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। नाइट ऑफ की तरफ गया तो 495 तक के लेवल ओपन है, लेकिन 498 बेस्ट बुकिंग वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम सपोर्ट हमारा वहीं पे आता हुआ कहीं
डाबर में मुझे दिखाई दे रहा है। सो 503 के पास से सेल एग्जीक्यूशन आपको लीड कर सकता है आराम से 498 496, लेकिन अगर हम 507 ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू कर देते हैं, पीछे के बॉटम्स जितने भी हैं शॉक जितने भी शॉकर्स हैं सबके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे, शॉकर्स में शिफ्ट हो जाएंगे तो अपसाइड जाने की संभावना रहेगी। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी था मैं मेन अपडेट करूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ गेम चेंजर्स टी टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। अगर 507 के ऊपर बाय एग्जीक्यूशन दिखाई दिया मैं बिल्कुल अपडेट करूंगा आप लोगों को। एंड चलते हैं फाइनल स्टॉक की तरफ, फाइनल है सन फार्मा स्टैम्प, तो इससे भी गेम चेंजर का लगना चाहिए लेकिन 4.5 स्टार दूंगा, 513 के ऊपर क्षमा चाहूंगा, 513 के ऊपर मैं बाय करने जा रहा हूं सन फार्मा को। मेरा पहला टारगेट रहेगा 517, सेकंड 519, स्टॉप लॉस में 509 यूज करके चलूंगा। सन फार्मा में ऑलमोस्ट सभी फ्रेम्स में पैरेलल ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, तो संभावना जो है पोटेंशियली बहुत ज्यादा है इसमें, 512 के आसपास कहीं क्लोज रहा है। और अगर सेम लेवल मेंटेन करते हैं 513 मेंटेन करते हैं, वॉल्यूम जबरदस्त डेवलप हुआ है क्लोजिंग के टाइम पे तो शूटिंग कर सकता है और रॉकेट हो सकता है, जबरदस्त हिट्स लगा सकता है और बहुत ही जबरदस्त स्थिति में है 517 518, बहुत ही प्यारे और बहुत ही इजी टारगेट्स मुझे सन फार्मा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी फ्रेम्स में बहुत ही प्यारी स्थिति में जबरदस्त प्यारा सा ब्रेकआउट है, 513 अगर मेंटेन किया तो स्टॉक बिल्कुल रॉकेट होने के लिए रेडी है, आराम से 4-5 पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। 30 मिनट के फ्रेम में भी सेम संभावना है, सेम अपॉर्चुनिटीज है, स्टॉक बहुत अच्छी स्थिति में है और 513 के ऊपर रॉकेट हो सकता है। मैं रेंज मार्केट मान के कल ट्रेड करने जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम 13,000 के आसपास क्लोजिंग दी 40-50 पॉइंट्स का मूवमेंट को मैं रेंज मार्केट में मान के चलूंगा। आरबीएल बैंक गेम चेंजिंग लिस्ट में लेके चल रहा हूँ, रॉकेट रहेगा 224 के ऊपर से 221 स्टॉप लॉस के साथ में। सन टीवी 423 के ऊपर बेहतरीन स्थिति में जबरदस्त धूम मचा सकता है, डाबर अगर शिफ्ट हुआ 507 के ऊपर बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अदरवाइज 503 के नीचे रिजेक्ट होकर शार्पली 498 496 तक की रिजेक्शन दिखा सकता है। सन फार्मा जैसे मैंने आपको बताया 513 के ऊपर 517 519 तक के बेहतरीन टारगेट, और अगर मार्केट मोड में रहा तो 521 भी आप मार्क करके चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कटा लीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, एंड होपफुली आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम और लाइक कीजिए, बने रहिए गेम चेंजर्स के साथ में। मैं बना रहूंगा लाइव मार्केट ट्रेडिंग आपके साथ, आप कोशिश करेंगे कि कल लाइव स्ट्रीम किया जाए और अच्छे हिट्स लगाए जाएं, एक मंथली एक्सपायरी आज समाप्त हुआ है, कल अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मौका है, प्रीमियम भी शार्प डी होगा क्योंकि मंडे को मार्केट क्लोज है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विश कि आपका फ्राइडे जबरदस्त जाए, मेमोरेबल जाए, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे।